देख सकते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, हर तरह की स्वीट है, मुनाफा है। एक छोटा सा ब्लॉग करता हूँ मैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मलेशिया में अरब स्ट्रीट और अरबी खाने बहुत ज़्यादा हैं और लाइनें लगी हुई हैं और रात के बज गए हैं एक, आप देख सकते हैं एक बज गया रात का और इस टाइम पे भी रश है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अरबी खाने। जी दोस्तों, अरबी खाने आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मैं आपको आगे और भी दिखाता हूँ। और पूरी स्ट्रीट है, मतलब अरब स्ट्रीट। तो मैंने बोला यार थाईलैंड में तो है, मलेशिया में था, मुझे नहीं पता था। सो शायद ये वीडियो देख के और सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाए। सो गुड टू नो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जी दोस्तों, तो और जगह भी दिखाता हूँ। ये देखें, आपको पूरे अरबी खाने मिल जाएंगे, हर तरह की स्वीट मिलेगी आपको, मुनाफा भी। सलाम, अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये पूरा अरब स्ट्रीट है और आप लोग देख सकते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं शॉर्मे की शॉप्स हैं, जूस शॉप्स हैं और काफ़ी जगह। एंड देन आपको और दिखाता हूँ, फ्रेश कुनाफा बना रहा है वो, आप देखिए फ्रेश कुनाफा। देखिए दोस्तों, हर तरह की स्वीट है, कुनाफा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉर्मे की शॉप है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। देखिए दुबई में तो हम देखते रहते हैं, बट आप मलेशिया में भी देखिए बहुत सारे अरबी रेस्टोरेंट। देखिए और बहुत सारे हैं, मतलब एक आध नहीं है, आप देखिए काफ़ी कुछ है इनके पास, पूरी स्ट्रीट है यार और आगे भी है। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा पैनल जो है ये अरब स्ट्रीट है और आप देख सकते हैं खाने आपको हर तरह के मिल जाएंगे और फ्रेश बना रहे हैं भाई। वो ये नहीं है कि बासी खाना नहीं खिला रहा, फ्रेश शॉर्मा बना रहा है। मेरा तो मूड है कल यही आ गए, कल रात का डिनर यही होगा। और लोग आप देख सकते हैं लाइन में खड़े हैं लोग, पीपल आर वेटिंग और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जी दोस्तों, ये पूरा अरब स्ट्रीट है और हर तरह का खाना आपको मिलेगा। मेरा भी दिल कर गया कुनाफा खाने का और कुनाफा खाते हैं। वो आप सामने देखिए, सामने एक रेस्टोरेंट है दमास्कस, मैं आपको उसकी लाइनें दिखाता हूँ, आप लोग शॉक हो जाएंगे। अभी लाइन कम हो गई है भाई, थोड़ी देर पहले वो लाइन वो वहाँ से स्टार्ट थी। और रेस्टोरेंट आप देखिए कहाँ पे है, वो वहाँ पे दमास्कस, चेक करो यार, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। कुनाफा क्रिस्प अलग दुकान है,
वो दमास्कस जो है उसके वहाँ से लेके एंड तक लाइन थी। तो मतलब चेक करो यार पूरा अरब स्ट्रीट, तो दिस इज़ कॉल्ड अरब स्ट्रीट। ज़बरदस्त यार, तो दोस्तों आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो आप लोग आके यहाँ पे खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बहुत सारा आपको फूड का इशू नहीं होगा। जैसे कि कई जगह आप जाते हैं आपको फूड इशू तो आते हैं, सो यहाँ पे वो फूड इशू नहीं होगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंडली पीपल ऑल अराउंड, जब हम मूवी बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। कई लोग शेयर करते हैं, कई लोग अजीब तरीके से देखते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं। सो जब शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है कैमरे से बात करना और वीडियो बनाना बहुत टफ है, इसके लिए मुझे कम से कम आई थिंक 1 साल लग गया फ्लुएंट होने के लिए। खाली आगे भी थोड़े से रेस्टोरेंट हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे रहता है। सो चलते हैं उस तरफ, आगे भी रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं। ये देखें हनी बेच रहा है और शिया हनी बेच रहा है भाई, प्रॉपर नेचुरल हनी। पूछते हैं कितने का, बट ये तो दुबई में मिलता है। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैं आ गया हूँ वो पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट, जो मैंने आपको बताया था एक पाकिस्तानी स्ट्रीट भी है। यहाँ लाइन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और रात को 24 घंटे खुले हैं, तो आपको मसला ही नहीं है। एरिया का नाम है चौकेट इन मलेशिया कुआलालंपुर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा साफ दिखाता हूँ कैसे रहता है। जी दोस्तों ये भी खान रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी चप्पल कबाब भी होता भाई, सब कुछ है सारे। बलोच है भाई, बलोच रेस्टोरेंट। देखें जी मलेशिया में जलेबियां भी हैं और सारा कुछ जो कुछ चाहिए। टिक्के भी लग रहे हैं, कबाब लग रहे हैं, टिक्के लग रहे हैं, देखो टका टक भी लग रहे हैं, दाल भी लग रही है, चप्पल कबाब भी लग रहे हैं, सारा कुछ है जी पाकिस्तान। आगे बढ़ा था अच्छा भाई, वो केड़ा उससे बड़ा लोग बैठे हैं, वो भी खान फूड है। असी जिसे जाना है वो कौन सा है? वो खान, वो पीछे। अच्छा जी वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं। भाई जन हमें दिखा रहे हैं, ये हैं पाकिस्तानी लेकिन 7 साल से हैं तो लोकल हुए हैं। और भाई जन को भाई जन जुबान भी पूरी मल्ले आती है। चल रहे हैं सर, देखो अच्छा एक नया भी है पंजाब, पाक पंजाब। अच्छा ये पाकिस्तान रेस्टोरेंट, देखिए दोस्तों पाकिस्तान रेस्टोरेंट कुआलालंपुर। अंदर आप देखिए बेकरी आइटम्स सारा कुछ है, सब कुछ दिखे। और यहाँ के लोग भी खाना वही खा रहे हैं। जी दोस्तों पाकिस्तानी स्ट्रीट देखो, मज़ा आ गया। मलेशियन लोग भी ये खाते हैं, ये भी है पाक पंजाब।
इसका भी बड़ा नाम सुना मैंने, अगर आपने आना है तो पाक पंजाब या खान दिखे लग रहे हैं जबरदस्त। अब अगर ऐसे लाया ये पाक पंजाब है, ऐसा भी बड़ा नाम सुने क्या है। अब खान रेस्टोरेंट में चलते हैं, आप देखिए पूरे पाकिस्तानी खाने जो चाहिए आपको मिल जाएंगे, जबरदस्त हलवा स्वीट गुलाब जामुन सही जेरी चीज़ चाहिए सारा कुछ आपको सही पले चढ़, क्या बात है, पहले क्यों नहीं आया ऐसे। चलो जी ये आप देखिए ये पाक पंजाब है, मैं पहले आता तो दही भले भी खा लेता यहाँ। चलो जबरदस्त दिखे लग रहे हैं। ये इस एरिया के नाम है चौकेट, और चौकेट के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी, और ये 24 घंटे खुले हैं, मतलब कभी भी आप आ सकते हैं। जी दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं और इसका बहुत ज़्यादा नाम है खान रेस्टोरेंट, फ्रेश सारा कुछ यहाँ लगता है, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और ये भी है हाउस ऑफ पकीज़ा, इसका भी तारीफ़ कर रहे थे, मैंने तो कोई नहीं खाया अभी तक बट वो तारीफ़ कर रहे थे इसका भी, और ये खान का ज़बरदस्त अच्छा है यार पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, खुशबू ही हो रहा है यार, खुशबू ही हो रहा है उसके, मलेशिया में बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है ज़बरदस्त। सब खाते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है।